भारतीय जनता पार्टी वो खरीद फरोख्त में सरकार को गिराने में विश्वास रखती है, इसलिए सब जानते हैं कि उनके पास संख्या बल नहीं है, कैसे वो अपना आठवां प्रत्याशी को जितवाएंगे। लेकिन वो धन बल के ताकत पे, सरकारी दुरुपयोग पे, ताकत पे इस तरीके से वो चाहते हैं कि चुनाव जीत जाए जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो योद्धा हैं, समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो ना टूटने वाले हैं, ना कहीं जाने वाले हैं, ना कहीं वोट देने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो संख्या है वो बहुत पीछे है। समाजवादी पार्टी अपने तीनों प्रत्याशियों को राज्यसभा में का जो चुनाव है उसमें जितवा के भेजने का काम करेगी। यानी कि आपके जो घटक रहेंगे, देखिए सब साथ में है क्या? आप, मैं तो कहता हूँ आरएलडी के जो विधायक हैं वो उनके क्या पूरे साथ में है? क्या सुभाषपा के जो पूरे विधायक है क्या वो उनके साथ हैं? वो भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देंगे। तो जो लोग तोड़फोड़ करना चाहते हैं उनको, अपने दलों के जो विधायक हैं उनको बचाना चाहिए कि वो किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। हम तो सबका साथ सबका विश्वास वाला जो नारा भाजपा का है वो तो हमारे साथ बिल्कुल फिट बैठता है। सारे के सारे जो भाजपा के भी विधायक हैं वो भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में, आरएलडी हो या सुभाषपा के विधायक हो वो भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में। तो समाजवादी पार्टी अपने तीनों प्रत्याशियों को आराम से जितवाने का काम करेगी। इंडिया गठबंधन में शामिल जितने भी दल से अगर वो कहीं अलग भी हुए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं गए। एक नीतीश कुमार जी को अगर आप छोड़ दीजिए बिहार में, तो कोई भी जो भी इंडिया गठबंधन से अलग हुआ वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं गया। फारूक अब्दुल्ला जी अगर अलग चुनाव भी लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। आदरणीय ममता बनर्जी जी भी अगर अलग भी चुनाव लड़ेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जी अगर अलग भी लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। तो हमारी विचारधारा एक है और मैं समझता हूं कि जब चुनाव नजदीक आएगा तो सब साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, सब इस भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को हटाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी वो खरीद फरोख्त में सरकार को गिराने में विश्वास रखती है, इसलिए सब जानते हैं कि उनके पास संख्या बल नहीं है, कैसे वो अपना आठवां प्रत्याशी को जितवाएंगे। लेकिन वो धन बल के ताकत पे, सरकारी दुरुपयोग पे, ताकत पे इस तरीके से वो चाहते हैं कि चुनाव जीत जाए जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं वो योद्धा हैं, समाजवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो ना टूटने वाले हैं, ना कहीं जाने वाले हैं, ना कहीं वोट देने जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो संख्या है वो बहुत पीछे है। समाजवादी पार्टी अपने तीनों प्रत्याशियों को राज्यसभा में का जो चुनाव है उसमें जितवा के भेजने का काम करेगी। यानी कि आपके जो घटक रहेंगे, देखिए सब साथ में है क्या? आप, मैं तो कहता हूँ आरएलडी के जो विधायक हैं वो उनके क्या पूरे साथ में है? क्या सुभाषपा के जो पूरे विधायक है क्या वो उनके साथ हैं? वो भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देंगे। तो जो लोग तोड़फोड़ करना चाहते हैं उनको, अपने दलों के जो विधायक हैं उनको बचाना चाहिए कि वो किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं। हम तो सबका साथ सबका विश्वास वाला जो नारा भाजपा का है वो तो हमारे साथ बिल्कुल फिट बैठता है। सारे के सारे जो भाजपा के भी विधायक हैं वो भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में, आरएलडी हो या सुभाषपा के विधायक हो वो भी समाजवादी पार्टी के संपर्क में। तो समाजवादी पार्टी अपने तीनों प्रत्याशियों को आराम से